नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ सिर्फ अस्टो तक पर। इसलिए अस्टो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर। तो चलिए, खास और विशेष बात, आज का विशेष टॉपिक क्या है, ये घर में नवरत्न वास्तु का कछुआ लाएं और रातों रात करोड़पति बन जाएं। जी हां, बिल्कुल बन सकते हैं। क्या है नवरत्न कछुआ, वास्तु में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आइए इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। समुद्र मंथन तो याद ही है आपको, और समुद्र मंथन किस पर हुआ था, कच्छप पर। स्वयं भगवान विष्णु का अवतार कच्छप और सभी का मूल गोत्र, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे कोई और, सबका मूल गोत्र कच्छप ही है। कच्छप यानी कछुआ, टॉर्टोइस, और वो भी अपने में वास्तु सिद्धांतों के हिसाब से नौ ग्रहों को जोड़े हुए है, नव रत्नों को जोड़े हुए है। अष्ट धातु से निर्मित सुनहरी वर्ण का वो कछुआ अगर आप अपने घर में लाते हैं तो रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। लक्ष्मी घर छोड़कर ही नहीं जाती है, क्योंकि नारायण स्वयं चले आते हैं। जी हां, आइए इस बारे में थोड़ी सी जानकारी जानते हैं। सनातन धर्म में, हिंदुज्म में, मछली को यानी कि मत्स्य अवतार को और कच्छप अवतार को, कछुए को, दोनों को ही अति शुभता का प्रतीक माना जाता है। गंदगी में रहने के बावजूद भी कमल सर्वोपरि है। भगवान के सर पर, मस्तक पर सिर्फ कमल चढ़ाया जाता है और कुछ नहीं चढ़ाया जाता। इसी प्रकार से कछुआ भी सर्वोपरि है, क्योंकि भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए कछुए का अवतार मान लिया था। चाइनीज वास्तु में, यानी कि चाइनीज वास्तु साइंस के अंदर, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के अंदर, फेंगशुई जिसे कहते हैं, उसमें कछुए को शुभता का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि इन्हें घर में रखने से आर्थिक उन्नति होती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, जिससे घर में रहने वाले लोगों की सेहत अच्छी होती है, घर से नेगेटिविटी दूर होती है, लक्ष्मी भाग जाती है और लक्ष्मी आ जाती है। इस मान्यता के कारण बहुत सारे लोग कछुआ घर में लेके आते हैं, लेकिन कछुआ रखना घर में भारतीय दृष्टिकोण कानून के हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन उसका अल्टरनेटिव वास्तुशास्त्र ने दिया है नवरत्न कछुए के अनुरूप में। अष्ट धातु से निर्मित नौ रत्नों से जड़ा वास्तु पर बेस कछुआ अगर आप अपने घर में लेके आते हैं तो इससे दो काम होते हैं, चाइनीज वास्तु फेंगशुई भी ठीक हो जाती है और वास्तुशास्त्र के जो नियम से घर में वास्तु दोष उत्पन्न हुए हैं उनमें भी सुधार आ जाता है, क्योंकि नौ के नौ ग्रह अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर पर छोड़ते हैं। इस मान्यता के कारण बहुत सारे जो लोग हैं वो उसे अपना रहे हैं धीरे धीरे। इसका कारण ये भी है कि ये पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है, लेकिन कई कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग इसे गलत डायरेक्शन में भी रख देते हैं, गलत तरीके का कछुआ ले आते हैं, नकली जंस से बना हुआ कछुआ ले आते हैं। हम इसका महा उपाय आपको लास्ट में बताएंगे, लेकिन कई लोगों को फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका आपको कारण बताता हूं। इसका फेंगशुई में और चाइनीज वास्तु में और भारतीय वास्तु में यह कारण बताया गया है कि किन चीजों को रखने की स्थान काफी महत्वपूर्ण होता है, इसे कहां रखें, और अगर इसकी निर्धारित दिशा में इसे नहीं रखा जाए तो इसका लाभ बिल्कुल नहीं मिलता। इसके मेटल को भी स्पेसिफिक बताया गया है, किस मेटल में इसे होना चाहिए। वास्तु और फेंगशुई के नियम के अनुसार कछुआ कभी भी बेडरूम में नहीं रखा जाता। कछुए के लिए सबसे बढ़िया स्थान बैठक होती है, यानी कि ड्राइंग रूम। दांपत्य जीवन पर कछुए का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कछुआ मूलतः धन और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए घर की शोभा बढ़ाने के उद्देश्य से कभी भी दो कछुए एक साथ घर में नहीं रखने चाहिए। दो कछुए एक साथ होने से लाभ में बाधा आती है, एक घर में एक ही कछुआ होना चाहिए।
कछुए के लिए सबसे उत्तम दिशा है नॉर्थ ईस्ट, दूसरी उत्तम दिशा है पूर्व यानी कि ईस्ट, और तीसरी उत्तम दिशा है उत्तर। तो यानी कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है उत्तर और पूर्व के बीच में, ये सर्वश्रेष्ठ है और तीनों बराबर हैं। आप चाहे उत्तर में रख सकते हैं, चाहे उत्तर पूर्व में रख सकते हैं, चाहे पूर्व में रख सकते हैं। उत्तर दिशा को धन की दिशा कहा गया है। उत्तर दिशा के अलावा पूर्व दिशा की और भी कछुआ रख सकते हैं, उससे वो उनके लिए ज़्यादा बेटर है जो सरकारी कर्मचारी हैं या वो बच्चे जो सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं कंपटीशन फाइट करके, वो घर की ईस्ट डायरेक्शन में से रखें। अगर भाग्य आपका मंदा चल रहा है, लक आपका काम नहीं दे रही है, तो इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। और कछुए का जो मुंह है वो घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, और बाहर की ओर कछुए का मुंह होने पर धन तेजी से बाहर जाता है, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए घर की तरफ आता हुआ कछुआ रखना चाहिए, जाता हुआ कछुआ नहीं रखना चाहिए। कछुए को सूखे स्थान पर रखने की बजाय इसका एक रखने का तरीका होता है। तो चलिए प्रोग्राम को खत्म करने से पहले अब आपको स्पेशल महावास्तु उपाय बताते हैं। क्या करें आप, एक कांच के बाउल में पानी ले लें, इतना पानी जिसके अंदर टांगे डूबे कछुए की, पूरा भर के नहीं रखना है, एक छोटा सा बाउल ले लें और उसमें जल भर के उसमें थोड़ा सा एक ड्रॉप गंगा जल डाल लें और उसमें कछुए को स्थापित करें इस तरीके से कि कछुआ आपके घर की तरफ अंदर आ रहा हो। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आप उत्तर पूर्व मुखी होकर खड़े में हो, या पूर्व मुखी होकर खड़े में हो, या उत्तर मुखी होकर खड़े में हो, और कछुआ आपकी तरफ आ रहा हो, इतना ध्यान रखिएगा। इस तरफ से कछुए को रखना है। और इसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी बात, गुलाबी रंग के जिरकॉन रखने हैं। कितने रखने हैं? 12 जिरकॉन इसके चारों तरफ फैला दीजिए, ताकि ये ऐसा लगेगा आपको ये हीरे के बीच में सर्वाइव कर रहा है। तो आप देखेंगे पिंक जिरकॉन इसके चारों तरफ रख दीजिए और उसको हर शुक्रवार के शुक्रवार उसका पानी बदलिए और नया पानी डाल दीजिए, या उसी पानी में थोड़ा सा पानी और मिलाते रहिए, पानी सूखने मत दीजिए पूरा। तो आप देखेंगे कि रातों रात आपके करोड़पति बनने की पहली सीढ़ी तो एटलीस्ट आप क्रॉस कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक, अपने मित्र अपने सखा अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ तो बेहतर हो। तब तक के लिए नमस्कार।